आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि हम लोग के पास एक नैरो कैपिलरी ट्यूब है, वो हम लोग 10 सेंटीमीटर बिलो वाटर सरफेस उसको डिप किया है। ओके, अभी हम लोग क्या किया है कि वो कैपिलरी ट्यूब से ब्लो करके, हवा ब्लो करके हम लोग क्या किया है कि एक 2 मिलीमीटर रेडियस का एक बबल उसके अंदर हम लोग फॉर्म कर दिया है। लिक्विड बबल हम लोग पानी के अंदर हम लोग फॉर्म कर दिया है। ओके, अभी हम लोग को पूछ रहे हैं कि ये जो बबल का एक्सेस प्रेशर क्या होगा, ड्यू टू सरफेस टेंशन एक एक्सेस प्रेशर होगा, दैट एक्सेस प्रेशर क्या होगा वो बबल का अंदर, एंड व्हाट इज द प्रेशर रिक्वायर्ड हम लोग को अगर एक हेमिस्फेरिकल बबल जो पानी में हम लोग अगर एक हेमिस्फेरिकल बबल ड्रॉ करना चाहते हैं, ब्लो करना चाहते हैं, तो हम लोग कितना प्रेशर देना पड़ेगा, व्हाट इज द प्रेशर रिक्वायर्ड। ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट इज द ए पार्ट क्या पूछा है हम लोग को, पूछा है कि एक्सेस प्रेशर क्या है सरफेस टेंशन की वजह से। ये एक सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग को बोला है लिक्विड बबल है, देयरफॉर एक्सेस प्रेशर पी का इक्वेशन हम लोग को पता है, इट इज इक्वल टू 2t डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द बबल। इट इज इक्वल टू, हम लोग को इधर वैल्यूज दिया गया है, टी इज इक्वल टू नथिंग बट 2 इंटू 7.3 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 न्यूटन पर मीटर डिवाइडेड बाय आर क्या है, रेडियस हम लोग को दिया है, इट इज रेडियस इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर, इट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 मीटर्स। ओके, ये जब कैलकुलेट करेंगे हम लोग को मिलेगा एक्सेस प्रेशर पी इज इक्वल 73 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग को मिल गया है। सेकंड क्वेश्चन के लिए हम लोग देखेंगे कि सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहे कि अगर हम लोग एक हेमिस्फेरिकल बबल ये जो नीचे वाला साइड में और पानी का अंदर जो एंड है उधर हम लोग एक हेमिस्फेरिकल बबल फॉर्म करने के लिए ब्लो कर रहे हैं, तो कितना प्रेशर चाहिए होगा। जैसे समझने के लिए मैं आपके लिए एक डायग्राम दिखाता हूँ, ये हम लोग एक डायग्राम का मदद लेके ये क्वेश्चन अच्छा से समझ में आएगा हम लोग को। तो ये है हम लोग का डायग्राम, हम लोग देखते हैं नीचे क्या क्या प्रेशर होगा, h डेप्थ बिलो द सरफेस क्या क्या प्रेशर होगा हम लोग जब ये बबल ड्रॉ करने के लिए, कि क्या क्या प्रेशर होगा नीचे ये सरफेस में। तो अब टोटल प्रेशर p हम लोग को पता है कि एट ए सरफेस h बिलो द सरफेस प्रेशर क्या होगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस h इंटू रो इंटू g, इतना तो प्रेशर हम लोग को। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ही कितना होगा, h रो g हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इतना टोटल प्रेशर इधर होगा, प्लस एक्सेस प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन कितना होगा, इट इज इक्वल टू 2t डिवाइडेड बाय r एक्सेस प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन, इतना तो होगा। देयरफॉर टोटल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर p रिक्वायर्ड इज इक्वल टू p0 प्लस h rho g प्लस जो एक्सेस प्रेशर है 2t डिवाइडेड बाय r। ओके, ये जब वैल्यूज हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, p0 का वैल्यू हम लोग को दिया गया है p0 इज इक्वल टू 1 इंटू 10 रेज टू 5 प्लस h हम लोग को पता है कि कितना डेप्थ में था, ये जब हम लोग कितना डेप्थ में ये हम लोग ट्यूब लेकर गया था, इट इज इक्वल टू हम लोग को पता है डेप्थ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर बिलो वाटर सरफेस, देयरफॉर इट इज 10 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 मीटर इंटू 10 रेज टू 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, इसका जो डेंसिटी है इंटू जी इज इक्वल टू वी विल टेक इट एज 10। ओके, प्लस 2t डिवाइड बाई आर हम लोग कैलकुलेट करके रखे इज इक्वल टू 73 न्यूटन पर मीटर, इट इज इक्वल टू, ये सब हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग को आंसर क्या मिलेगा, 1 इंटू 10 रेज टू 5 प्लस 10 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 10 रेज टू 3 10 रेज टू 1 हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 10 कैंसिल हो जाएगा इन प्लस 10 रेज टू 3 प्लस 73, इट इज इक्वल टू, ये जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं देन वी विल गेट इट इज इक्वल टू 1 इंटू 10 रेज टू 5 प्लस 0.01 into 10 raised to 5 plus 0.0006
7 × 10⁵। ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे इट इज इक्वल टू, वी कैन राइट इट एज 1.01073 × 10⁵ पास्कल, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये है हम लोग का आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।